हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं उपमा। इसके लिए मैंने एक परवल काट लिया है बारीक, एक बीन्स मैंने काटी है, एक टमाटर मैंने काट लिया है, इसका पल्प मैंने निकाल लिया है, एक से डेढ़ मैंने प्याज बारीक काट लिया है, 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, 7 से 8 मैंने कड़ी पत्ता ली है, 1 मैंने हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बीच से काट लिया है, शिमला मिर्च मैंने आधा टुकड़ा लिया है इसे भी मैंने काट लिया है, और थोड़ी सी अदरक मैंने कूट ली है, सरसों मैंने 1 चम्मच लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1 चम्मच मैंने शुद्ध घी लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1 से 1.5 कप मैंने रवा लिया है, इसे सूजी भी कहते हैं, और गार्निश के लिए मैंने धनिया की पत्ती बारीक काट ली है। तो चलिए आज हम बनाते हैं उपमा। उपमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है, अब इसमें हम सूजी डालेंगे। और इसे इसका फ्लेम कम रखेंगे, गैस का मैंने फ्लेम कम कर दिया है, और इसे भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए। इसे हम कम आंच पे धीरे धीरे भून लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि लाल नहीं होना चाहिए, और इस हल्का भूनने से इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। हमें इसे लगातार चलाना है ताकि नीचे जले नहीं। लगातार धीरे धीरे चलाते हुए कम फ्लेम पे हमें भूनना है। अब ये पक गया है, अब गैस ऑफ कर देंगे और चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। और अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है, अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम राई डालने से इसका स्वाद अच्छा होता है। इसमें थोड़ा जीरा, कड़ी पत्ता, और इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को कम फ्लेम पे भूनेंगे, प्याज को लाल नहीं करना है, इसे हल्का गुलाबी करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम सारी सब्जी ऐड करेंगे ताकि सब्जी भी प्याज के साथ पक जाए। ये शिमला मिर्च मैंने लिया है, ये परवल, ये बीन्स, अदरक, एक हरी मिर्च, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, और इसे हम कम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि प्याज के साथ सब्जी पक जाए। बस ध्यान ये रखना है कि प्याज लाल नहीं होना चाहिए, कम फ्लेम पे ही प्याज अच्छी तरह पक जानी चाहिए। इसका फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि सब्जी कच्ची ना रहे। सब्जी ज़्यादा पकी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा क्रंची अच्छा लगता है। अभी अच्छी तरह पक गया है, इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाए। टमाटर अच्छी तरह पक गया है,
अब इसमें हम 2 से 3 कप पानी डालेंगे। सूजी मैंने 1.5 कप लिया था तो 3 कप पानी डालेंगे। पानी उबलने लगे तब इसमें हम रवा को ऐड करेंगे। पानी उबलने लगा है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे और इसे चलाएंगे। सूजी पानी से उबलता है फिर थोड़ा ऐड करेंगे। पानी सूख रहा है, सूख गया है, धीरे धीरे पानी इसका सारा सूख जाएगा। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा शुद्ध घी डालेंगे। अब ये रवा उपमा तैयार हो गया है और इसे गरम गरम हम सर्व करेंगे। उपमा तैयार हो गया है, आप इसे रायता के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको ये रवा उपमा कैसा लगा।